घर के बाहर जिस तरीके से बातों ही बातों में एल्विश ने मजाक मजाक में मनीषा रानी का मजाक बना दिया, उसके बाद मनीषा रानी हो गई हैं एल्विश से नाराज। ये तो हमने आपको अपनी बीती रिपोर्ट में बताया ही था कि एल्विश के बुलाने पर भी मनीषा उनसे मिलने मुंबई के होटल रूम में पार्टी करने के लिए नहीं पहुंची, जबकि आशिका और एल्विश के बाकी दोस्त वहां मौजूद थे। वहीं अब एल्विश यादव ने इस बात का खुलासा किया है कि एल्विश ने आशिका से मनीषा का नंबर लिया था, लेकिन ना तो मनीषा का फोन लग रहा है ना ही मनीषा मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। लगता है कि मनीषा रानी कुछ ज्यादा ही खफा हो गई है। स्टेज ऑन 19 तारीख को स्टेज पे आएगा और सबसे हाथ जोड़ के मतलब थैंक यू बोलेगा, माफी नहीं, माफी तो मांगी मनीषा से, उससे कई लोगों की वो है भाई क्या चीज़? कि यार एल्विश ने सबका वो शुक्रिया किया, मनीषा का नहीं किया तूने। अगर एक चीज मेरे हिसाब से पब्लिक ने, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं देखे जिसमें पूछ रहे हैं कि मनीषा कैसी लगती है, कि मैंने हर बार बोला मनीषा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नंबर मेरे पे व्हाट्सएप का आया, आशिका ने मुझे दिया, मैंने उसको मैसेज भी करे, उसका एक तो कॉल नहीं लग रहा, ऊपर से मैसेज डिलीवर अभी मैंने चेक करानी, क्योंकि वो वाला फोन जो मेन था उसमें है मेरा व्हाट्सएप, उससे डिलीवर नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। फिर मैं थोड़ा मतलब मैंने देखा कि यार उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब मैंने देखा कि यार उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एल्विश यादव, आपको बैठ कर मनीषा से बात करने की जरूरत है, मनीषा से मिलने जाने की जरूरत है, क्योंकि मनीषा ऐसी दोस्त है जिसे खोना समझदारी नहीं। फाइनल कास्ट न्यूज डेस्क।